हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं टमाटर इमली की चटनी रमज़ानों के लिए। बहुत ही खट्टी चटपटी चटनी होती है। पकौड़ी, समोसे, स्नैक्स, किसी भी स्नैक्स के साथ बहुत मज़े की लगती है। अगर आप चटपटी पसंद करते हैं तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसे एक महीने के लिए बना के रख सकते हैं। खट्टी भी होती है, चटपटी भी होती है। इसके लिए मैंने 10 टमाटरों को काट लिया है और 15 लहसुन की कलियां छील के वो भी मैंने मिक्सी में डाल दी हैं। एक बड़ा चम्मच ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा, और 2 बड़े चम्मच इमली इसके बीज निकाल दिए हमने और इसको धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये मिक्सी में आसानी से चल जाते हैं। 15 से 20 हरी मिर्ची, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम बढ़ कर सकते हो। मैंने 18 डाली थी। खूब चटपटी खट्टी मीठी चटनी बनी है और इसमें 2 छोटे चम्मच नमक डाला। मिक्सी में इसको पीस लेंगे। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टमाटर की वजह से बहुत आसानी से पिस जाएगी। 3-4 बार हमने इसको चलाया, हमारी टमाटर की चटनी तैयार है। इसको आप ऐसे कोई भी जैम की शीशी ले लें, उसे साफ से धो लें और इसमें भरकर फ्रीज़र में रख दें। एक महीने तक ये पूरे रमज़ानों चल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।